नगर परिषद के बड़े बड़े दावे हुए खोखले। भाजपा पार्षदों ने जताया आयुक्त के सामने विरोध। पाली शहर के मुख्य मार्गों सहित अन्य स्थानों पर भाजपा बोर्ड में निर्मित सड़कों के निर्माण में प्रयोग की गई घटिया सामग्री दो तीन दिनों में बारिश में आमजन के सामने आ गई। हाल ही में हुई बारिश ने सड़क निर्माण में हुई अनियमितताओं की पोल खोलकर रख दी है। बारिश में बह चुकी और क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़कों पर कभी टैक्सी असंतुलित होकर पलट रही है तो कहीं बाइक चालक सड़क के बीच पानी से भरे गड्ढे में गिरकर चोटिल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। नगर परिषद के पूर्व उपसभापति वर्तमान पार्षद मूल सिंह भाटी खुद इन बदहाल सड़कों पर बाइक चलाने के दौरान चोटिल हुए, जिनका इलाज इस दौरान एक निजी अस्पताल में हो रहा है। आम नागरिकों का आरोप है कि ठेकेदारों और सभापति के बीच चल रही मिलीभगत के खेल के चलते शहर की मुख्य सड़कों सहित भीतरी भाग में भी बनी सड़कों के निर्माण में जमकर अनियमितताएं हुई, जिनकी पोल इन दो तीन दिन की बारिश ने खोल कर रख दी। एक और सभापति रेखा राकेश भाटी द्वारा शहर में जमकर विकास कार्य करवाने का दावा किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर नया गाँव से कॉलेज तक, रेलवे स्टेशन से हाउसिंग बोर्ड तक, पुराना बस स्टैंड से मंडिया रोड, मस्तान बाबा से पणिहारी तक की सड़कों में पड़े बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को आमंत्रण देकर इन विकास कार्यों की पोल खो रहे हैं। इन्हीं परेशानियों के चलते बुधवार को नागरिकों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते वहां पुलिस को जमकर समझाइश करनी पड़ी। वहीं कलेक्टर ने भी शाम को शहर का दौरा कर अधिकारियों को इन सड़कों पर शीघ्र पेच वर्क कराने के आदेश दिए। नवभारत समाचार, पाली, राजस्थान से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। जो भी नेता आता है बैठने वाला है, कितनी बार मिला हूँ आपसे, जैसे कैंसिल करते थे पूरे वार्ड की बारह बची हुई है, जनता जूते मारती है हमको, आप चलो हमारे साथ, पता पड़े एसी में बैठे हो आराम से, पंखा ले रहे हो। सर जनता में ये बात पक्की नया मकान रहने आता है ना, तो उसको पाइप अगर डालना तो उसके 10,000 रुपए खर्चा आता है हर मकान का डालने, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, ढक्कन का 40 ढक्कन लगे। अब आज ये स्थिति है, 14 जिले को फोटो भेजा है, अब मैं क्या जवाब दूँ? वार्ड नंबर 50 से हमारी अर्ज है, हमारे बस्ती में आज तक भी इतना पानी भरा 50 बार चेयरमैन साहब को, आयुक्त साहब को अवगत हम करा दिया, बाकी जी ये लोके जी आज तक कभी फोन उठा के जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि क्या समस्या, फोन ही नहीं उठा के जवाब दे रहे। कोई भी समस्या होती हम हमारे विधायक को फोन करते जब वो समस्या हल होती है, बाकी कोई नगर परिषद का अधिकारी फोन उठा के जवाब नहीं देता। बहुत हम दुखी है प्रशासन।